आज हम छठी कक्षा का ज्योमेट्री का सिलेबस पढ़ेंगे। कुछ अध्यापक भाइयों के कमेंट्स आए थे कि पेंटिंग तो बच्चे घर में कर लेंगे, बच्चों को ज्योमेट्री का पे वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि कमल सर बिलासपुर से और अजय पटियाल जी खासकर चाह रहे थे कि जो ज्योमेट्री का सिलेबस है वो करवाया जाए। तो रिक्वेस्ट भी थी और मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बच्चे को ज़रूर करवाया जाए। तो मैं छठी क्लास को आज पहला प्रश्न करवाऊंगा ज्योमेट्री का। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ज्योमेट्री का कार्य करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए फुट्टा, एक पेंसिल चाहिए लाइन लगाने के लिए, एक हमें चाहिए इरेज़र, इसका प्रयोग कम से कम करना है, मैं भी बहुत कम करूँगा, और एक चाहिए आपके पास प्रकार लगा हुआ पेंसिल, जिसमें प्रकार में पेंसिल लगी हुई हो, ये सामान हमें चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ हम पेंसिल कैसे लगाते हैं प्रकार में। छठी कक्षा है, क्योंकि नए बच्चे हैं आपको नहीं पता होगा। बच्चों क्या करना है, हमने ऐसे प्रकार रखनी है और पेंसिल जो है वो यहाँ पे ऐसे प्रकार में डालनी है, और ध्यान रखना है कि पेंसिल और प्रकार की नोक दोनों बराबर हो, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना है कि पेंसिल की जो नोक है वो बिल्कुल तीखी होनी चाहिए, ऐसे। ये देखिए, यदि किसी के पास इस तरह का प्रकार है जिसकी नोक दोनों प्रकार की और आपके पेंसिल की मिलती है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टेबल पे या ड्राइंग शीट पे अपने रखिए और इसको एडजस्ट करिए, बिल्कुल ये बराबर होना चाहिए, ऐसे। देखिए, ये देखिए, आप बिल्कुल बराबर है, ऐसे ऐसे ही बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो ही आपका कार्य सही होगा। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। पहला प्रश्न है, ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी से लंब उठाओ जो लगभग रेखा के मध्य में हों। देखो, सबसे पहले हमने जो दिया हुआ हमें प्रश्न में है वो हमने लेना है। सबसे पहले हम ए बी रेखा लेंगे, हम क्या करेंगे, प्रकार लगा फुट्टा रखेंगे, और अभी हम पेंसिल से एक लाइन लगाएंगे, ये जैसे मैंने लाइन लगा दी है। अब हम ये पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ए है, इस पॉइंट का बिंदु का नाम है बी। अब मैं कहूँगा कि ए पे प्रकार रखा तो यहाँ नहीं रखनी है, ये आपका ए इस पॉइंट का नाम है, ये मैंने आपको बिंदु की डेफिनेशन बताई थी, किसी स्थान को प्रकट करता है, तो ये आपका ये स्थान है, ये ए है। अब आपने क्या करना है, एक दिया हुआ है हमारे पास लंब, हमने उठाना है सी से, ये सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिया, अब इसका नाम दे दिया सी, ये चीज़ें दी हुई थी, ए बी रेखा और सी पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ से हमने लंब उठाना है। मैं आपको बता देता हूँ, छठी कक्षा में पहला प्रश्न है, और जो बेटा लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे इस सी पॉइंट पर ऐसे, और यहाँ से हम जो है वो चाप लगाएंगे, डॉटेड आपने चाप लगानी है, ये बड़ा ध्यान रखना है, आपकी चाप डॉटेड होनी चाहिए, डैश आपने बिल्कुल नहीं लगाने हैं, ये मैंने लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो पॉइंट आपका आ रहा है, दोनों ये जो चाप है ये अर्धवृत्त है, इसे हम अर्धवृत्त भी कहते हैं, अर्धवृत्त है, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे आर, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे जी। आपने क्या करना है, जी पर प्रकार रखनी है ऐसे, और चाप लगा देंगे, ये जो चाप है ये होती है 60 डिग्री की, और इसका नाम हम दे देंगे एच। अब आपने क्या करना, एच ये एच है, ठीक है, अब हम दूसरी चाप लगाएंगे, ये देखिए, इसका नाम हम दे देंगे एस, ये जो पहली चाप है ये 60 डिग्री की है, फिर 60 डिग्री की अगली है, तो ये होगी 120 डिग्री की चाप, और आपने प्रकार जितना पहले रखा था इतना ही खोल कर रखना है, इसको आपने ज़्यादा कम नहीं करना, ये देखिए बिल्कुल इक्वल है। अब आपने क्या करना है, एच पर प्रकार रखो, या इसी रेखा को आगे बढ़ा दो, नहीं तो आप वैसे भी आगे चाप लगा सकते हैं, ऐसे चाप लगाइए। अब आपने ये एस पॉइंट है, एस पॉइंट पर प्रकार रखिए और इस चाप को काट दीजिए ऐसे, जहाँ ये दोनों चापें मिल रही है इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे ई। अब हम क्या करेंगे,
ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम सी के साथ मिला देंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपने फुट्टा सही ढंग से एडजस्ट करना है, फुट्टा आगे पीछे नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए और ये देखिए, ये हमारा कोण बनके तैयार हो गया। इस लाइन का नाम आप दे सकते हैं डी। ये आपने ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी से लंब उठा दिया है। ये आपका कंप्लीट पहला प्रश्न हो गया है। गृह कार्य में आपने यह प्रश्न सफाई के साथ अपनी ड्राइंग फाइल पर बनाना है।